वेलकम टू माई चैनल। तो अभी इस वक्त मैं हूँ साउथ गोवा में। सितंबर की फर्स्ट बीच वीडियो है और मैं साउथ गोवा के पालोलिम बीच आना चाहती थी बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बीचेस इन साउथ गोवा। तो ये बीच कैसा है, यहाँ क्राउड कैसा है, कौन कौन सी वाटर एक्टिविटीज अवेलेबल है यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज अभी अवेलेबल है, तो कौन कौन सी वाटर एक्टिविटी अवेलेबल है, बीच साइड हट के आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे बीच साइड अकोमोडेशन लेना चाहते हैं तो क्या प्राइसेस है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, थोड़ी प्रॉपर्टी भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सब जानने के लिए मेक श्योर की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इन केस अगर आप गोवा से रिलेटेड ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स देखना चाहते हैं। और अगर आपके गोवा ट्रिप से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पालोलिम बीच के लिए आप यहाँ से एंटर करते हैं इस रोड से और इसी रोड के अगर आप उस साइड पे जाएंगे या इस साइड पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको बजट स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे या स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये मार्केट एरिया भी स्टार्ट होता है। तो यहाँ से ये पूरा मार्केट एरिया है और इसी के मार्केट एरिया के इस साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो आप यहीं पर अपने लिए स्टे देख सकते हैं। ये यहाँ का मार्केट एरिया है जो कि अगर आप देखेंगे तो इट्स कम्प्लीटली ओपन। कुछ ही शॉप्स है जो आगे की ये वाली शॉप्स है वो क्लोज है, उसके अलावा यहाँ पे ये सारी शॉप्स अभी यहाँ पे ओपन है। सो जंक ज्वेलरी की शॉप्स प्लस यहाँ पे ड्रीम कैचर्स भी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रीम कैचर्स मिलेंगे एंड बहुत सारे ईटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। और अगर आप यहीं पे जाएंगे सो देर आर प्लेंटी ऑफ शॉपिंग ऑप्शंस अवेलेबल हियर। अगर आप अकोमोडेशन देख रहे हैं सो यहीं पे इसी मार्केट एरिया में दिस साइड यहाँ से ही अगर आप टूवर्ड्स राइट जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो लाइक दिस वन, यहाँ पे ही एक स्टे ऑप्शन है। सो ऐसे ही यहाँ पे अंदर पे बहुत सारे स्टे ऑप्शन है। देर आर अ लॉट ऑफ शॉपिंग ऑप्शंस अवेलेबल हियर। सो द मार्केट इज कम्प्लीटली ओपन और यहाँ पे अगर आपको टैक्सीज लेनी है सो देर आर अ लॉट ऑफ टैक्सीज अवेलेबल हियर। तो आप यहीं से अपने लिए टैक्सी ले सकते हैं। सो कैन सी दीज आर ऑल जूट बैग्स। सामने दैट इज पालोलिम बीच, हम बीच के बहुत ही पास है। बीच एंट्रेंस के पास ही ये राइट साइड में पे पार्किंग एरिया है आपकी कार्स के लिए और अगर आपके पास स्कूटी या बाइक है तो यहाँ पे उसके कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री में यहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं। सो दिस इज द बीच, यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे बीच पे। यहाँ पे पानी अभी इस वक्त बहुत ऊपर तक है क्योंकि हाई टाइड है अभी इस वक्त। सो दैट इज द रीजन कि पानी अभी बहुत ऊपर तक है, थोड़ी देर में पानी नीचे चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सो अभी इस वक्त कुछ लोग पानी के अंदर भी हैं। ऑल्दो यहाँ पे ये डेंजर का साइन बोर्ड लगा हुआ है लाइक ऑल अदर बीचेस जहाँ पे यही लिखा गया है कि पानी के अंदर जाना अलाउड नहीं है। साइड से हम थोड़ा सा वॉक करके आगे तक जाएंगे। सो जब आप सीजन टाइम पे आते हैं तब आपको ये पूरा पानी नीचे की तरफ मिलता है, अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे भी आएंगे तभी भी इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है उस टाइम पे। बट अभी इस वक्त यहाँ पे पानी बहुत ही ऊपर तक है और नॉर्मल टाइम पे आप वहाँ पे ऊपर तक आराम से जा सकते थे चल करके, तो अभी भी जा सकते हैं बट आपको पानी के अंदर पैर रखना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम गोवा आ रहे हैं या अगर आप एज अ टूरिस्ट गोवा आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि आप पानी के अंदर जाएं, बट ट्राई टू बी सेफ। अगर आप पानी के अंदर भी हैं तो आप लाइफ गार्ड के आसपास में ही रहें और अगर वो आपको बाहर बुला रहे हैं तो आप डेफिनेटली बाहर आ जाएं। यहाँ पे बीच के एकदम साइड में कुछ स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे जो हट्स होते हैं बीच साइड हट्स वो अभी फ़िलहाल के लिए
कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं टू स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ से अगर आप यहाँ पर आते हैं सीजन टाइम पे, फ्रॉम अक्टूबर टिल मे, तो जितने भी बीच साइड हट्स हैं वो कम्प्लीटली ओपन हो जाएंगे और आप यहाँ पे स्टे ले सकते हैं। बट अभी भी फिलहाल पालोलिम बीच पे अगर आप आ रहे हैं तो बीच साइड अकोमोडेशन अवेलेबल हैं। बीच के बहुत पास में अकोमोडेशन हैं कुछ, जो कि अभी भी अवेलेबल हैं और कंपैरेटिवली चीपर रेट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप अराउंड 1,000 to 3,000-4,000 तक में यहाँ पे बीच के पास में अकोमोडेशन ले सकते हैं। और अगर आप इस वक्त आ रहे हैं सितंबर मंथ में, और तो आई वुड सजेस्ट आप ऑल दो बुकिंग करा करके भी आ सकते हैं, बट अगर आप आ रहे हैं और आप एक चांस लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली आइए। और आप जब डायरेक्टली पालोलिम बीच पे आते हैं तो यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा, आपको बजट में बीच के बहुत पास अकोमोडेशन मिल जाएंगे आराम से। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप आते हैं तो आप खुद से अकोमोडेशन देख सकते हैं, आप कहाँ पे अकोमोडेशन ले रहे हैं, और उसके बाद अपना अकोमोडेशन फाइनल करके ले सकते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल पानी के अंदर हूँ। तो ये एक सजेशन है मेरा, अगर आप सितंबर मंथ में आ रहे हैं तो, और अगर आप आगे सीजन टाइम पे आते हैं तब तो यहाँ पे जो अकोमोडेशन है वो बहुत फुल मिलते हैं, तो कम चांसेस है कि आपको अकोमोडेशन मिल पाए ऑन द स्पॉट। तो उस टाइम पे जब सीजन टाइम पीक टाइम रहता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, तो उस टाइम पे आप एडवांस बुकिंग करवा करके आएँ। ये सारे हट्स अभी क्लोज हैं अगर आप देखेंगे, बट ये कुछ अकोमोडेशन है इस साइड पे जो कि आप यहाँ पे स्टे ले सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ दो अकोमोडेशन यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं और अगर आप देखेंगे तो इस वक्त भी पालोलिम बीच पे कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट अवेलेबल हैं। सो देयर इज इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे, जो मैंने देखा है कि अभी भी इस वक्त फिलहाल इंडियन टूरिस्ट के साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी अवेलेबल है। तो पालोलिम बीच इज वन प्लेस। अभी धीरे धीरे साउथ गोवा साइड पे और भी ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आना शुरू हो रहे हैं। सो अक्टूबर मंथ से तो कम्प्लीटली फुल रहने वाला है। पालोलिम बीच एक बहुत ही हॉटस्पॉट है, बहुत ही पसंदीदा जगह है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। तो यहाँ पे सीजन टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट रहते हैं, और इंडियन टूरिस्ट के अमंग भी पालोलिम बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो अब हम एक वॉक लेते हैं, मैं थोड़ा आगे तक आपको दिखाती हूँ कि ये बीच कैसा है, यहाँ पे क्राउड कैसा है। क्राउड तो अभी इतना ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, बट बहुत ही अच्छा बीच है अगर आप साउथ गोवा में आ रहे हैं। और सीजन टाइम पे तो यहाँ पे वाइब कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तो अभी जैसा मैं आपको ये दिखाई देगा, और जो सीजन टाइम का पालोलिम बीच है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ये जो बीच है वो मेरा वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट बीच है इन साउथ गोवा। तो इस बीच पे मैंने ऑलरेडी स्टे लिया हुआ है, और अगर मैं नेक्स्ट टाइम पे भी आती हूँ तो मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं पालोलिम बीच पे ही स्टे लूँ। आज तो फिलहाल मैं सिर्फ परवरिम से यहाँ पर आई हूँ, और अभी मैं चली जाऊँगी ये वीडियो शूट करके, बस आपको दिखाने के लिए स्पेशली मैं यहाँ पे पालोलिम बीच पे आई थी। अगर आप इस वक्त सितंबर मंथ में आ रहे हैं और पालोलिम बीच पे हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप एक बोट राइड लें। वहाँ पे वो आपको बैक वाटर्स में लेकर के जाते हैं जहाँ पे ईगल फीडिंग कराते हैं, जहाँ पे कुछ जो चील होती है उसको आप खाना डालते हैं, मीन्स कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं जिसको खाने के लिए बहुत सारी चील आती है, और वो आपकी एक वीडियो भी लेते हैं। तो वो बहुत ही अमेजिंग व्यू लगता है, और आपको डिफरेंट टाइप के पक्षी और क्रीचर्स देखने मिलेंगे। तो आप एकदम शांत सी जगह रहती है। एक्चुअली मैं अभी करना चाहती थी, बट मैं अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी आज तो मैं अकेले ही आई हूँ। नेक्स्ट टाइम अभी थोड़े टाइम में मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँगी, सिस्टर ब्रदर और मदर को लेके आऊँगी, फिर हम जाएंगे चार लोग साथ में, तब बड़ा मज़ा आएगा। और आज जो मुझको वो रेट बोल रहे थे एक पर्सन का अराउंड 1,000 rupees वो बोल रहे थे, बट अगर आप 4 to 5 मेंबर्स होते हैं तो वो अराउंड 1,500 आपको चार्ज कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप इस प्राइस पे नेगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ। और आप अगर अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो वो बर्ड वॉचिंग और ये जो बोट राइड है वो सबसे अमेजिंग रहती है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पे जो चिड़िया होती है और जो बाकी के अदर एनिमल्स या क्रीचर्स होते हैं
वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आप अराउंड 10 o'clock, 9 o'clock, 10 या 11 o'clock से पहले पहले आए, तो उससे आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे, ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो दैट इज़ वन रिकमेंडेशन विच आई विल गिव यू। और अभी आगे आने वाली वीडियो में आपको वो मैं दिखाऊंगी भी, जब मैं खुद वहाँ पर जाऊँगी तो कैसे एक्सपीरियंस रहता है। अगर आप आ रहे हैं तो कुछ ईटिंग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक दिस फर्स्ट रेस्टोरेंट। यहाँ पे ये पहला ही रेस्टोरेंट है जो कि जहाँ पे आप कुछ खाना खा सकते हैं, बीच का व्यू मिलेगा आपको। एंड देन यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आगे पे एक और कैफ़े है, तो वो भी एक अच्छा कैफ़े है। तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी मैंने वहाँ ही पे अपना लंच किया था। सो दे हैव सम अमेजिंग फूड आइटम। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं लोग कितना ज़्यादा अंदर तक हैं। आई डोंट नो हाउ सेफ इट इज़, बट वहाँ पे लाइफ गार्ड हैं जो कि उनके ऊपर कंटिन्यूसली नज़र रखे हुए हैं। सो दैट इज़ वाई आई से कि अगर आप इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे सारे बीचेस पे डेंजर के साइन बोर्ड हैं, और अगर आप फिर भी अगर आप अंदर जा रहे हैं तो आप लाइफ गार्ड के आस पास में ही रहिए, ताकि अगर उसे उन्हें कहीं पे भी रिस्क लगता है तो वो आपको इमीडिएटली बाहर बुला लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ शॉप्स हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पे थोड़े बहुत शॉपिंग के ऑप्शन हैं। और यहाँ पे ये जितने भी बीच हट्स हैं अगर आप देखेंगे तो ये सब कम्प्लीटली अभी क्लोज करके रखे हुए हैं, और अक्टूबर मंथ से ये पूरे ओपन हो जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ पालोलिम बीच राइट नाउ। बीच यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये है कैफे सिल्वर स्टार, विच इज़ अ नाइस रेस्टोरेंट वेयर यू कैन हैव योर फूड। और यहीं से आगे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ स्टे ऑप्शंस है जो कि ओपन है। मोस्टली जो स्टे के ऑप्शंस है वो यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देखेंगे सो दे आर क्लोज, और बट कुछ कुछ ऑप्शंस आपको फिर भी यहाँ पे मिल जाएंगे जहाँ पे आप स्टे ले सकते हैं अगर आप पालोलिम बीच पे बीच साइड हट्स देख रहे हैं। तो आगे में एक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे ये एक छोटा सा स्टे अकोमोडेशन है, तो बहुत ही कॉस्टली नहीं है यहाँ पे जो अकोमोडेशन, तो यहाँ पे आप स्टे ले सकते हैं। एंड देन यहीं से आगे आप जाएंगे, यहाँ पे ये एक तपस करके है जगह जो कि अभी फ़िलहाल के लिए बंद है, बट इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टेज मिल जाएंगे। तपस था, तपस से ही अगर आप थोड़ा आगे आएंगे तो दिस इज़ एन अनदर बीच साइड रेस्टोरेंट, एंड प्लस यहाँ पे ये स्टे ऑप्शंस भी अवेलेबल है जो आप स्टे ले सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने अभी कॉस्ट पूछा था अराउंड 2500-3000 में आपको यहाँ पे अकोमोडेशंस मिल जाएंगे। और जब भी अगर आप इस वक्त आ रहे हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे सो दिस इज़ कम्प्लीटली बीच साइड हट्स, तो ये एकदम बीच के पास में ही बीच फेसिंग यहाँ पे ये हट्स अवेलेबल है। और डेफिनेटली अगर आप इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं तो आप प्राइसेस पे नेगोशिएट कर सकते हैं। जो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो सारी आगे तक जितने भी बीच हट्स है वो ऐसे ही है, मैं आगे तक एक ऑलरेडी राउंड लगा चुकी हूँ और ये सब अभी क्लोज है। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, बट जब आप सीजन टाइम पे आएंगे अराउंड अक्टूबर मंथ से तो यहाँ पे वाइब कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। दिस इज द बीच, और यहीं पे ये प्रॉपर्टी है विच इज कैफे दीमार। और अभी ये फुल्ली कंस्ट्रक्ट नहीं हुए हैं, बट अंदर से मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इनका रिसेप्शन एरिया है यहीं पे, रेस्टोरेंट है, प्लस इनके स्टेज भी अवेलेबल है अंदर, बहुत अच्छे स्टेज अवेलेबल है। अगर आप कह
एरिया, तो अराउंड 2500 है अभी इनके चार्जेस, तो विच इज़ कंपेरेटिवली वेरी नाइस प्राइस। अगर आप सीजन टाइम पे आएंगे तो यहाँ पे ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो डेफिनेटली मैंने जैसे कि बोला आप प्राइसेस पे नेगोशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये सारे जितने भी बीच साइड हट्स थे वो सब अभी इस वक्त क्लोज है, बट आप अगर इसके पीछे जाएंगे थोड़ा सा पीछे में तो यहाँ पे अकोमोडेशंस अवेलेबल है। तो बीच के एकदम बीच फेसिंग ये अकोमोडेशंस तो अक्टूबर मंथ से ही ओपन होंगे, बट स्टिल अगर आप लास्ट तक देखेंगे सारी सिचुएशन ऐसी ही है अभी पालोलिम बीच पे, तो ये सब यहाँ पे अभी क्लोज है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज ऐसी ही है, क्लोज है सारी। और वहाँ पे आगे के साइड में अगर आपको दिख रहा है तो ये जो है ये जो प्रॉपर्टी है ये ओपन है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग स्टे रहता है यहाँ पे, क्योंकि वो जो एरिया है वो एक प्राइवेट एरिया टाइप हो जाता है, और वहीं पे पास में बीच है, और वहाँ पे जो रूम्स है वहाँ से एकदम सी दिखाई देता है, तो वो प्रॉपर्टी ओपन है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। सो विच इज़ एन अमेजिंग स्टे ऑप्शन यहाँ पे पालोलिम पे, अगर आप पालोलिम बीच पे आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर जाते भी हैं तो आप देखेंगे तो मैं वहाँ से अभी चल के आई हूँ आगे से, और वहाँ से पूरा बीच, वहाँ पे ज़्यादा क्राउड था, बट यहाँ पे जैसे जैसे आप इस बीच के एंड पर आएंगे तो यहाँ पे एकदम ही ज़ीरो क्राउड है या बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। सो दिस इज़ हाउ पालोलिम बीच राइट नाउ, बट अमेजिंग। और अगर एक थोड़ा सा आप खाली सा अपना सा और ऐसा नाइस बीच देख रहे हैं तो पालोलिम बीच इज़ अ नाइस ऑप्शन। मैं तो बिल्कुल यहाँ पे स्टे ले लेती, अगर मुझे रहना होता तो मैं यहीं पर आकर के स्टे लेती, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है, वेदर है, और ये जो वाइब है यहाँ पे वो बहुत ही अमेजिंग है, कामिंग। आप आराम से यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ पालोलिम बीच राइट नाउ। बहुत ही क्लीन वाटर है, बहुत ही क्लीन वाटर है। सो दिस इज़ हाउ पालोलिम बीच राइट नाउ। आई होप यू इन्जॉयड कमिंग विद मी टू पालोलिम बीच। और ऐसे ही गोवा से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा। बाय।